मैं मधुर लता पुरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से, BC 204 कॉस्मेटिक साइंस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 से। आज का हमारा टॉपिक है वेनिशिंग क्रीम और फाउंडेशन क्रीम। वेनिशिंग एंड फाउंडेशन क्रीम, इन क्रीम को डे क्रीम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्रीम को दिन के समय लगाया जाता है। यह क्रीम त्वचा पर बिना चिपचिपाहट वाली पतली फिल्म बनाती है, जिसे बाह्य वातावरण से त्वचा को सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही त्वचा को मुलायम भी बनाती है। वेनिशिंग क्रीम के इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। वेनिशिंग क्रीम का परिचय, वेनिशिंग क्रीम क्या है, वेनिशिंग क्रीम की आदर्श गुण क्या होते हैं, वेनिशिंग क्रीम के संगठन और वेनिशिंग क्रीम के कार्य। वेनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है। इसे त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। यह ऑयललेस थिन फिल्म की तरह आसानी से त्वचा पर फैल जाती है, जो कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे वेनिशिंग क्रीम कहते हैं। वेनिशिंग क्रीम पाउडर को होल्ड करती है और पाउडर को त्वचा पर चिपकाए रखने की क्षमता को बढ़ाती है। यह क्रीम सफेद रंग की होती है, इसलिए इसे स्नो क्रीम भी कहा जाता है। परंपरागत वेनिशिंग क्रीम में स्टेरिक एसिड का आधार होता है। स्टेरिक एसिड त्वचा के तापमान पर आसानी से पिघल जाता है। इस क्रीम का यह सक्रिय अवयव होता है। इस क्रीम को गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद यह क्रीम त्वचा पर डल व मैट लुक देती है और त्वचा पर नॉन ग्रीसी अवक्षेप छोड़ती है। प्रॉपर्टीज, एक अच्छी वेनिशिंग क्रीम में क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और इसका कलर सफेद होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी सुगंध होनी चाहिए और इसमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन होना चाहिए। अब हम वेनिशिंग क्रीम में काम आने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे। वेनिशिंग क्रीम में काम आने वाले इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड वेनिशिंग क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है। यह एक्टिव इंग्रेडिएंट है वेनिशिंग क्रीम का। वेनिशिंग क्रीम क्रीम की स्थिरता को नियंत्रित करता है और इसकी थिकनेस को भी कंट्रोल करता है। क्रिस्टल का निर्माण कर क्रीम को मोती के समान गुण प्रदान करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है ह्यूमक्टेंट। ह्यूमक्टेंट त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ग्लीसरीन, सॉर्बिटोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। थर्ड इंग्रेडिएंट है एल्कलीज। एल्कलीज के एग्जाम्पल हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, अमोनिया एंड बोरेक्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई क्रीम सॉफ्ट होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रीम को फाइन टेक्सचर और कंसिस्टेंसी प्रदान करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई क्रीम हार्ड होती है। क्रीम बनाने के लिए जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अकेले करते हैं तो इससे बनने वाली क्रीम हार्ड होती है। इसलिए अकेले सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करने की बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्रीम सॉफ्ट बनती है। कार्बोनेट्स, पोटेशियम कार्बोनेट एवं सोडियम कार्बोनेट, इनका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिसके कारण इनसे बनने वाली क्रीम स्पॉन्जी होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अमोनिया। अमोनिया इफेक्टिव होता है, परंतु इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। इसके ऑर्डर
और वॉलेटिलिटी के कारण, इसकी गंध और बाष्पशीलता के कारण, और अमोनिया क्रीम को पीला कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बोरेक्स। वाइल्ड इमल्शन बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संयोजन में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जांपल हैं ट्राई इथेनोल अमाइन सोप, अमीनो ग्लाइकोल सोप और ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट। इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। फिफ्थ इंग्रेडिएंट है प्यूरिफाइड वाटर, शुद्ध जल। शुद्ध जल क्रीम को स्टेबिलिटी देते हैं। कठोर जल का इस्तेमाल करने पर क्रीम स्टेबल नहीं बनती है और क्रीम जल्दी खराब हो जाती है। सिक्स इंग्रेडिएंट है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल्स हैं मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन। प्रिजर्वेटिव बैक्टीरिया और फंजाई के कारण क्रीम को खराब होने से बचाते हैं। सेवेंथ इंग्रेडिएंट है परफ्यूम। परफ्यूम क्रीम को खुशबू तथा सौंदर्य वैल्यू देते हैं, एस्थेटिक वैल्यू देते हैं। इनके एग्जांपल हैं जेरेनियम, सैंडलवुड ऑयल और लेवेंडर ऑयल। कंपोजिशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम का संगठन फॉर्मूला देखते हैं। वैनिशिंग क्रीम का स्टेरिक एसिड 24 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम, वाटर 64 ग्राम, ग्लिसरीन 10.5 ग्राम, परफ्यूम 0.5 ग्राम। वैनिशिंग क्रीम बनाने की विधि। सबसे पहले स्टेरिक एसिड को एक कंटेनर में लें और उसे डबल बॉयलर में मेल्ट करें। दूसरे कंटेनर में पानी लें, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करें। अब इसमें ग्लिसरीन मिलाएं और इसे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। यह वाटर फेज है। वाटर फेज को धीरे धीरे पिघले हुए स्टेरिक एसिड में लगातार हिलाते हुए मिलाएं। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तब इसमें परफ्यूम मिलाएं। क्रीम को ठंडा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। क्रीम को बनाते समय लगातार हिलाते रहें ताकि इसकी सरफेस के ऊपर पपड़ी नहीं जमे। फंक्शंस ऑफ वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम के कार्य। वैनिशिंग क्रीम का मुख्य कार्य फेस पाउडर को त्वचा पर होल्ड करना, त्वचा पर फेस पाउडर को चिपकाए रखने में मदद करना, और यह मुख्य रूप से त्वचा पर फेयरनेस देती है। और वैनिशिंग क्रीम मेकअप का कंपोनेंट है। फाउंडेशन क्रीम। फाउंडेशन क्रीम के इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। फाउंडेशन क्रीम का परिचय, फाउंडेशन क्रीम के आदर्श गुण, फाउंडेशन क्रीम के प्रकार, फाउंडेशन क्रीम का संगठन और फाउंडेशन क्रीम के कार्य। फाउंडेशन क्रीम। फाउंडेशन क्रीम त्वचा को इमोलियंट बेस या आधार प्रदान करते हैं। इसे फेस पाउडर से पहले तथा मेकअप की अन्य तैयारी से पहले लगाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फाउंडेशन क्रीम। एक अच्छी फाउंडेशन क्रीम में क्या क्या आदर्श गुण होने चाहिए उसके बारे में जानते हैं। पहला है त्वचा पर पाउडर का आसंजन इस क्रीम के द्वारा सुधारा जा सके, क्योंकि इसमें अच्छी धारण क्षमता होती है, अर्थात इसकी होल्डिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है इसे त्वचा पर आसानी से फैलाया जा सके। नेक्स्ट है यह नॉन ग्रीसी होनी चाहिए, अर्थात इसकी जो परत है या त्वचा पर इसकी जो लेयर बनती है वो नॉन ग्रीसी होनी चाहिए। नेक्स्ट यह त्वचा पर गैर समावेशी फिल्म छोड़ने में सक्षम होनी चाहिए, अर्थात नॉन ऑक्लूसिव फिल्म इसे त्वचा पर छोड़नी चाहिए।
टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्रीम, फाउंडेशन क्रीम के प्रकार। फाउंडेशन क्रीम दो प्रकार की होती है, पिगमेंटेड फाउंडेशन क्रीम और अनपिगमेंटेड फाउंडेशन क्रीम। पिगमेंटेड फाउंडेशन क्रीम यह कलर्ड क्रीम होती है और अनपिगमेंटेड फाउंडेशन क्रीम इसमें पिगमेंट्स नहीं मिलाए जाते हैं, यह कलरलेस होती है। फाउंडेशन क्रीम के निर्माण में काम आने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं। फाउंडेशन क्रीम के अवयव फिनिशिंग क्रीम के निर्माण में काम आने वाले अवयव के समान ही होते हैं। इनके अलावा कुछ अवयव इस प्रकार हैं जो फाउंडेशन क्रीम के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। वे इंग्रेडिएंट हैं ह्यूमक्टेंट एंड लेनोलिन, मिनरल ऑयल, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, ब्यूटाइल स्टीरेट एंड एस्टर्स एंड पिगमेंट्स। ह्यूमक्टेंट एंड लेनोलिन ये त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। इनके उदाहरण है ग्लिसरीन, सोर्बो, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आदि। इनका प्रयोग ह्यूमक्टेंट की तरह किया जाता है और फाउंडेशन क्रीम में इसकी मात्रा 10% तक काम में ली जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल यह पाउडर को त्वचा पर चिपकाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, ब्यूटाइल स्टीरेट एंड एस्टर्स। इनका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह असंजन शक्ति में सुधार करते हैं, अर्थात पाउडर को त्वचा पर चिपकाए रखने की क्षमता में सुधार करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पिगमेंट। पिगमेंट के एग्जांपल हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टेल्क और कैलेमाइन। ये फाउंडेशन क्रीम को कलर प्रदान करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फाउंडेशन क्रीम। फाउंडेशन क्रीम का संगठन फॉर्मूला देखते हैं। फाउंडेशन क्रीम का लेनोलिन 2 ग्राम, सेटाइल एल्कोहल 0.5 ग्राम, स्टेरिक एसिड 10 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.4 ग्राम, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 8 ग्राम, वाटर 79.1 ग्राम, परफ्यूम QS एंड प्रिजर्वेटिव QS। विधि, सबसे पहले लेनोलिन, सेटाइल एल्कोहल, स्टेरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक कंटेनर में रखें और उसे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। यह ऑयल फेज है। दूसरे कंटेनर में पानी लें, उसमें प्रिजर्वेटिव घोलें। अब इसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल मिलाएं और इसे 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। यह वाटर फेज है। अब वाटर फेज को धीरे धीरे ऑयल फेज में लगातार हिलाते हुए मिलाएं जब तक टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। तब इसमें परफ्यूम मिलाएं। अब इसे ट्रिपल रोलर मिल से गुजारें। फाउंडेशन मेकअप। फाउंडेशन क्रीम लगाने पर जो परेशानियां होती हैं वह फाउंडेशन मेकअप क्रीम के साथ नहीं होती है। फाउंडेशन क्रीम का उपयोग दो चरणों वाली प्रक्रिया है। वहां पर पाउडर मेकअप धारण करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, अर्थात फाउंडेशन क्रीम पाउडर मेकअप को होल्ड करने के लिए आधार का कार्य करती है, जबकि फाउंडेशन मेकअप क्रीम के उपयोग से इन दो चरणों के उपयोग से बचा जा सकता है। यह विभिन्न फॉर्म में पाया जाता है, मगर लिक्विड फाउंडेशन मेकअप अत्यधिक प्रचलित है। इसे लगाना आसान होता है और यह त्वचा को स्मूथ अपीयरेंस देता है। इसके फॉर्मूले में सर्फेक्टेंट पाया जाता है जो कि पिगमेंट्स व कलर को त्वचा में पेनिट्रेट होने देते हैं, अतः इसके लगने के बाद इसे पूर्णतया हटाया जाना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ फाउंडेशन मेकअप। फाउंडेशन मेकअप का संगठन फॉर्मूला देखते हैं। लैंडेट वैक्स 8 ग्राम, स्टेरिक एसिड 8 ग्राम, वाटर 64 ग्राम, ग्लिसरीन 10 ग्राम, पाउडर 10 ग्राम, कलर QS, परफ्यूम QS एंड प्रिजर्वेटिव QS। विधि, लेनेट वैक्स, स्टेरिक एसिड,
और पानी को 85 डिग्री टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। प्रिजर्वेटिव को पहले ही पानी में घोल लें। यह मिश्रण ए है। आप पाउडर बेस में कलर एवं परफ्यूम मिलाएं। अब इसमें ग्लिसरीन मिलाएं। यह मिश्रण बी है। मिश्रण बी को मिश्रण ए में मिलाएं। फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन क्रीम। फाउंडेशन क्रीम के कार्य। फाउंडेशन क्रीम त्वचा पर सुरक्षात्मक फिल्म बनाती है, जिससे मेकअप में प्रयोग होने वाले कॉस्मेटिक्स का बुरा प्रभाव त्वचा पर नहीं पड़ता है। त्वचा पर विद्यमान दाग धब्बों को छुपाती है। इसको लगाने के बाद झुर्रियां कम दिखाई देती हैं। फाउंडेशन क्रीम का मुख्य कार्य त्वचा तथा फेस पाउडर के मध्य बैरियर का कार्य करना है। फाउंडेशन क्रीम में काम आने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड फेस पाउडर के लिए बेस बनाते हैं। यह वाटर रिपेलेंट होता है, अर्थात पानी के प्रति अवरोधक होता है। इसके कारण मेकअप पसीने से खराब नहीं होता है। आधुनिक फाउंडेशन क्रीम सनस्क्रीन एजेंट होते हैं। यह शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से होने वाले एजिंग इफेक्ट व हार्मफुल इफेक्ट से त्वचा को प्रोटेक्ट करते हैं। यह त्वचा को एक्सीलेंट अपीयरेंस और स्टेबिलिटी देते हैं। कुछ फाउंडेशन मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन व एस्ट्रिंजेंट की तरह कार्य करते हैं। यह स्किन को इवन व यूनिफॉर्म कलर देते हैं। कभी कभी नेचुरल स्किन टोन को भी चेंज करते हैं। फाउंडेशन क्रीम बॉडी पेंटिंग और बॉडी मेकअप के लिए प्रेफर किए जाते हैं। थैंक्स।